आदाब अर्ज़ नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कोविड की दूसरी लहर जारी, हुकूमत की जानिब से वबा को रोकने के इकदामात भी जारी, आवाम से एहतियाती इकदामात पर अमल फरा होने की अपील। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से राशन किट्स की तकसीम का आगाज, वज़ीर दाखला महमूद अली ने झंडी दिखाकर मुख्तलिफ हलकों को किट्स रवाना की। मजलिस रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने सरोजनी देवी हॉस्पिटल का किया मुआयना, कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने के बाद सहूलतों का लिया जायजा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंग कोठी में हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से कोविड हेल्प डेस्क का क्याम, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने किया इफ्तिताह। अब्दुल्लापुर मेट में हुआ खौफनाक सड़क हादसा, सर्कल इंस्पेक्टर सुल्तान बाजार और उनकी अहलिया बरसर मौका हलाक, मुतालिका पुलिस ने की जाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। माह रमजान मुबारक और ईद उल फितर के पेश नज़र तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से गरीब और मुस्तहक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम का मनसूबा बनाया गया था, जिस पर अमल आवरी की गई। रियासती वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस नामपल्ली से मस्कूरा राशन किट्स की गाड़ियों को झंडी दिखाकर मुख्तलिफ असम्बली हल्का जात में रवाना किया। तकरीबन 2500 राशन किट्स रवाना किए गए हैं। इस मौके पर सरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए वादे किया कि इस बार ईदगाहों में नमाज ईद उल फितर के इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं, यही वजह है कि करीबी मसाजिद या घरों में नमाज ईद अदा की जाए। सरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बाज़ा मीडिया को राशन किट्स के बारे में तफसीलात भी बताएं। इस मौके पर मजलिसी अराकीन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा कौसर मोहियुद्दीन से भी उन्होंने रब्त पैदा करने के बारे में बात कही। इलाहाबादी नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज खुद इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ से राशन किट्स तमाम सिटी के जितने कॉन्स्टेंसी हैं वहाँ पर भेजे जा रहे हैं, उसके लिए आज लोग हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ख़ासतौर से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और उनके मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले साल की तरह इस मरतबा भी रमज़ान में उन्होंने गिफ्ट रमज़ान गिफ्ट बनाकर सप्लाई कर रहे हैं। और ख़ासतौर से कोविड के अंदर तो हमारे मुकामी MLA साहब जाफर हुसैन साहब और बशीराबाद के MLA गोपाल साहब, कारवान के MLA कौसर मोहियुद्दीन साहब, हमारे मेम्बर साहब आगा साहब और बहुत से हमारे यहाँ पर लोग हैं, CO साहब वक्फ बोर्ड के और दीगर हजरात, हुकूमत की तरफ से मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना में, इस कोविड में किस तरह काबू पाया जा सके। तमाम जितने सरकारी दवाखाने हैं वहाँ पर बेड का इजाफा किया जा रहा है। हमारे CM साहब बहुत रात दिन इस पर लगे हुए हैं कि यहाँ के आवाम को कभी भी ऑक्सीजन की तकलीफ ना हो जो दवाखानों में चली गए, और कुछ लोग घरों पर भी इलाज कराएं उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया किया जाए। हुकूमत बहुत सीरियस है और CM साहब बहुत सीरियस से काम कर रहे हैं, और हर इंसान का फ़र्ज बनता है कि दूसरों की मदद करें। हमारे वक्फ बोर्ड की जानिब से जो लोगों को राशन किट दिए जा रहे हैं, यकीनन ये एक इंसानी हमदर्दी है, एक भाईचारगी है, तमाम कॉन्स्टेंसी में एक साथ दिया जा रहा है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आवाम को एक बात बताना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से बहुत परेशान है, हम भी जब लोगों के फ़ोन आते हैं तो हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं, इतने परेशान हैं लोग कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। हुकूमत मुकम्मिल जितनी तरीके से हमारे CM साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह सारे हिंदुस्तान में हमारे स्टेट के अंदर
COVID-19 को बहुत अच्छी तरीके से पिछली मरतबा भी कंट्रोल किया गया। अभी भी मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वैक्सीन लिया जाए। वैक्सीन की बड़ी अहमियत है, जब तक हम मुकम्मल वैक्सीन नहीं लेंगे इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वैक्सीन लेना पहला फ़र्ज बनता है, सभी लोगों से गुजारिश है। और अभी जिस तरह जाफर हुसैन साहब भी कहे कि एहतियात की बहुत सख्त ज़रूरत, आप कोरोना आने पर मैं बहुत से लोग जो है घर पर रहकर क्रिटिकल होने के बाद दवाखाने में जा रहे हैं। अगर किसी को कोरोना के आसार नज़र आते हैं तो फ़ौरन टेस्ट करवा लीजिए और शुरू से इलाज करेंगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा हो सकता है। चूँकि मैं खुद भी फेस कर चुका हूँ, इब्तदाई वक्त से अगर इलाज किया जाए तो बहुत आसानी से कंट्रोल में आते हैं। लोग घर में रहकर लास्ट स्टेज में दवाखाने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल पेश आ रहे हैं, उनके जान को बचाने की भी बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैं तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है। और दूसरी बात ये कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। बार बार कहने के बाद भी लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लोग जिस तरह कोविड को कंट्रोल करना है, कोरोना को कंट्रोल करना है, ख़ासतौर से हमारे भाई जो है इसमें उतना एहतियात नहीं कर रहे हैं। उनसे गुजारिश है कि आप बहुत एहतियात करें। गैर वजह बाहर आ रहे हैं, मैं रात में देख रहा हूँ, कर्फ्यू होने के बाद भी लोग 12 बजे तक मोटरसाइकिल में फिर रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है। और यकीनन कारोबार तो बहुत ज़रूरी है, पर उससे पहले जान ज़रूरी है। अगर जान नहीं रही तो कारोबार क्या करें। ख़ासतौर से मैं पुराने शहर के भी भाइयों से पत्थरगट्टी पर जो लोग देख रहा हूँ, मैं अखबार में भी आ रहा है, बहुत ही लोग वहाँ पर आ रहे हैं परचेसिंग के लिए आ रहे हैं या जिस काम के लिए भी आ रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि जो भी अवली होगा थोड़ा बहुत देख लीजिए, पर एहतियात कीजिए, बार बार मत आइए। और रमज़ान की ईद के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हाईकोर्ट के गाइडेंस है कि गैदरिंग कहीं नहीं होना चाहिए, गैदरिंग की वजह से कोरोना फैलता है। तो इस मरतबा ईद गाँव में इंतजाम नहीं है, लिहाजा मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ कि अपने घरों के करीब की मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर ईदगाह जाएंगे तो बहुत से लोग एक जगह जमा होने से, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गैदरिंग से एक दूसरे से फैल सकता है। रियासत तेलंगाना में कोविड की दूसरी लहर का असर अब भी जारी है। पिछले 24 घंटों में कई मरीज पॉजिटिव हो चुके हैं, जिन्हें मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक किया गया है। इलाहाबादी हुकूमत की जानिब से भी कोविड की वबा को रोकने के लिए मुख्तलिफ इकदामात का ऐलान किया गया है। ऐसा हम खबर के साथ आइए देखते हैं दीगर सियासी खबरें मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हुजराबाद असम्बली हलके में ई राजेंद्र की जानिब से असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा पेश करने के बाद मुनक़िद होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में TRS से साबिक रुकन पार्लियामेंट व नायब सदर प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार को पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि करीमनगर हुजराबाद में ई राजेंद्र के बाद विनोद कुमार मकबूल क़ायद हैं। इसके अलावा वज़ीर आला रुकन पार्लियामेंट लक्ष्मीकांत के अफराद ख़ानदान में से किसी एक को टिकट देने पर भी गौर कर रहे हैं। सदर तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह रियासत में कोरोना वबा को फैलने से रोकने के इकदाम करे और दिल्ली की तर्ज पर शहर के LB स्टेडियम और दीगर स्टेडियम्स में कोरोना आइसोलेशन सेंटर क़ायम किया जाए, जबकि खानगी दवाखानों में आरोग्य श्री के तहत मुफ्त इलाज करने के भी इकदाम किए जाएँ। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि वो रियासत में लॉकडाउन नाफिज करने से क्यों गुरेज कर रहे हैं और रात के कर्फ्यू में क्यों सख्ती नहीं की जा रही, जबकि तेलंगाना के पड़ोसी रियासतों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। अदे विधा मंदल कोरतेमो प्रधान कार्यदर्शि गार मुख्यमंत्री गार असल कावल मंदल आस्पत्र दरकनी రెమెడిసివిర్ కొరత గురించి అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. 2-3 వేలకు దొరికేటువంటి ఇంజెక్షన్ను ఇవాళ 30 వేలకు ఒక ఇంజెక్షన్ చొప్పున అమ్ముతున్నారు. చాలా 4-5 ఇంజెక్షన్ల డోసు ఇస్తారు. అంటే మామూలుగానైతే 10-15 వేలకు అయిపోవలసినటువంటి డోసు అది 10 ఎక్కువ 150 వేల దాకా పోతున్నది. అంత పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ ప్రజలు ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తున్నది. చాలా మందుల కొరత ఉంది. ఆ మందుల కొరత ఉందనేది ఇవాళ పత్రికలో అయితే తాటికాయంత అక్షరాలతో రాసినారు కూడా. అంటే కేవలం రెమెడిసివిర్ లాంటివి మాత్రమే కాదు, ఇతర మామూలుగా వాడేటువంటి
స్టెరాయిడ్స్ కానీ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు అంత మార్కెట్లో అందుబాటులో లేవు, వాటి కోసం వెతకవలసే వస్తున్నదనే మాట ఇయ్యాల పత్రికల్లో. वाईएस शर्मिला की हामी इंदिरा शोभा ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि पड़ोसी रियासतों कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कोरोना से निमटने के सिलसिले में लॉकडाउन नाफिज करने के बावजूद वज़ीर आला रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन क्यों नाफिज नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें रियासत की आवाम से ज़्यादा रियासत की मईशियत अजीज है. उन्होंने फौरी तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी को मुमकिन बनाने और लॉकडाउन लगाने पर गौर करने के अलावा कोरोना का इलाज आरोग्य श्री के तहत करने का मुतालबा किया. साबिक रुकने पार्लियामेंट व बीजेपी खातून खायद विजय शांति ने मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनखीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वह कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और हुकूमत के अलावा चीफ सेक्रेटरी जो भी इकदाम कर रहे हैं उसके नतज सिफर हैं. उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह रियासत की आवाम की जानों के तहफ़ के लिए इकदाम करने पर तोज्जो मरकूज़ करें, ना कि ऐसे मौके पर अपोजिशन और उन पर तनखीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर तवज्जो दी जाए. शहर में रात के कर्फ्यू में तौसी कर दी गई है. पुलिस से रात 8 बजे के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चौकस और मुतहरक देखी जा रही है. गुज़िश्ता रात बहादुरपुरे के इलाके में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम भी अंजाम दी गई और दस्तावेजात की भी जांच की गई. मास्क ना पहनने और ट्रैफिक के कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालानात किए जा रहे हैं. पुलिस ने कहा कि गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने से गुरेज किया जाए. मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से कोविड का शिकार मरीजों के लिए ऑक्सीजन बैंक का क़याम अमल में लाया जा चुका है. यौमिया सैकड़ों कॉल से हेल्पलाइन नंबर को मौसूल हो रहे हैं. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मुस्तहक तक ऑक्सीजन पहुंचाने का अमल भी जारी है. दूधबौली के गुलशनगर इलाके में भी मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाया. मरीज और उनके अफराद खानदान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मजलिसी कॉरपोरेटर्स की निगरानी में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव जारी है. दूधबौली डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने पार्टी के मुकामी खायरीन सुदूर मोतमदीन के हमरा दूधबौली और चंदूलाल बारादरी में अद्वियात का छिड़काव किया. इस मौके पर पार्टी लीडर दीपेश वर्मा भी मौजूद थे.
मलकपेट के छावनी डिवीजन में भी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। मुतल्लिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद भी इस मौके पर मौजूद थे। DRF की तरफ से मुख्तलिफ डिवीजन्स में अद्वियात का छिड़काव किया गया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और जनाब अहमद बलाला साहब की ज़ेर सरपरस्ती छावनी डिवीज़न में आज सैनिटेशन का DRF की गाड़ी के ज़रिए चंचलगुड़ा और छावनी के अतराफ़ के तमाम महल्ले में आज सैनिटेशन का काम हुआ है। अभी यहाँ पर शहीदों का हज़ीरे करने भी आज DRF की गाड़ी अंदर आकर मारी है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को इस वबाई अमराज से महफूज रख सके। इसलिए सदर मोहतरम की हिदायत के बाद हर कारपोरेटर अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए लोगों के बीच में रहते हुए, हम आपके दरमियान में रहते हुए इस वबाई अमराज का खात्मे के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमें आवाम का भी काफ़ी साथ मिल रहा है। फिर भी मैं आवाम से, अपने नौजवानों से यही कहना चाहता हूं कि बहुत ही इस वबाई अमराज का हम मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हम सोशल डिस्टेंस को भरपूर तरीके से निभा सके और मास्क लगाएं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ असम्बली हलकों में गुरबा में तकसीम की गलत से राशन किट्स भिजवाई गई हैं। इस सिलसिले के तहत हासिल हुई राशन किट्स की तकसीम हलके कारवान के तहत मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहीद्दीन ने अमल में लाई। इस मौके पर मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगम ऐसे कारकुनान भी मौजूद थे। कुल्लू चार मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपली जाफर हुसैन मेराज ने हफ्ते को सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का मुआयना किया। मस्कुरा हॉस्पिटल को सदर कुल्लू चार मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। हॉस्पिटल में पहले मरहले के तहत 150 ऑक्सीजन बिस्तरों के साथ खिदमत का 2 दिन में आगाज होगा। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि मौजूदा हालात में ऑक्सीजन की शदीद खिल्लत पाई जाती है और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में 250 बिस्तरों की मंजूरी हासिल की गई थी और पहले मरहले में 150 बिस्तरों पर खिदमत का आगाज होगा। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टेंसी के अंदर सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल एक मशहूर दवाखाना है, जहाँ पर नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके कोविड बेड का यहाँ पर इंतज़ाम किया है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में रहते हैं। ऑक्सीजन बेड्स में अभी फर्स्ट फेज में 150 बेड्स यहाँ पर चालू होंगे। 2 दिन के अंदर काम चल रहा है। मैं अभी इंस्पेक्शन करने आया था, मेरे साथ में सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल और डिप्टी कमिश्नर GHMC नुमाइंदा कारपोरेटर सरफराज साहब, कॉप्शन मेंबर महमूद हुसैन साहब और तमाम मजलिस के लोग भी मौजूद थे। हमारा मेन मकसद ये है कि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं COVID-19 के, उसके अंदर काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन की तकलीफ़ आ रही है और बेडों की मुश्किल हो रही थी, जिसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गवर्नमेंट तेलंगाना से चीफ मिनिस्टर साहब ने नुमाइंदगी करके यहाँ पर सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में टोटल 250 बेड का सैंक्शन लिया है, जिसमें आज मतलब अभी जो चालू हो रहे हैं 2 दिन के अंदर 150 बेड चालू होंगे, उसके एक वीक के बाद, एक हफ्ते के बाद और 100 बेड चालू होंगे। यही चीज़ हम चाहते हैं कि ऐसे नाजुक मौके के ऊपर जितनी सहूलत हम आवाम को दे सकते हैं उसकी पूरी पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं बहसियत MLA यहाँ पर आज आकर पूरा तफसीली मुआयना किया हूँ। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ जिस अंदाज से यहाँ पर काम हो रहा है, बिल्कुल मेरे हिसाब से
इंशाल्लाह काफ़ी जो लोग आज परेशान हो रहे हैं उनको 150 बेड इमीडिएट चालू हो जाएंगे और 100 बेड इंशाल्लाह एक हफ्ते में चालू हो जाएंगे। तो मेरी आवाम से ख्वाहिश ये है कि आप लोग जो भी जिसको भी सिम्टम्स दिखते हैं इमीडिएट आप कोई ना कोई हॉस्पिटल को रुजू होइए, चाहे वो सरोजनी हो या किंगकोटी हॉस्पिटल हो, चेस्ट हॉस्पिटल हो या निम्स हॉस्पिटल और कई काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जहां पर आप रुजू होइए, ताकि आप अगर इनिशियली आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर्स देख के आपको एडवाइस करेंगे कि आपको क्या घर पे आइसोलेशन रखने की ज़रूरत है या कोई हॉस्पिटल में आइसोलेशन की ज़रूरत है या कैसा है, आपको एडवाइस करेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंग कोठी के इश्तराक से हॉस्पिटल के अहाते में कोविड हेल्प डेस्क कायम किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस ने मस्कुरा हेल्प डेस्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी टीआरएनबी विजेंद्रा बोई, आईएएस स्पेशल ऑफिसर किंगकोठी के अलावा डॉक्टर चंद्रनाथ, सुपरिंटेंडेंट हॉस्पिटल और दीगर भी मौजूद थे। मस्कुरा कोविड हेल्प डेस्क हॉस्पिटल को आने वाले मरीजों और उनके साथ जो तीमारदार होंगे उनके साथ तआवुन करेगा। इस मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर बी विश्व प्रसाद, आईपीएस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सिटीजन के लिए हेल्प डेस्क का आज इनॉग्रेशन हुआ। इस हेल्प डेस्क का पर्पस है कि जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हैं, अटेंडर्स हैं, उनको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल के तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से जो चाहिए वो रेडिली अवेलेबल रहेगा। बेड का सिचुएशन क्या है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, कहाँ पे फार्मेसी है नज़दीक में, कहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। और इसमें हमारे आज इनिशिएटिव में जॉइंट सीपी विश्व प्रसाद साहब के साथ हमारे सुपरिंटेंडेंट साहब डॉक्टर राजेंद्र नाथ साहब और स्पेशल ऑफिसर श्रीमती विजेंद्र गारू, जिनके लीडरशिप में सो मेनी न्यू थिंग्स आर हैपनिंग इन द हॉस्पिटल, और सब सीनियर डॉक्टर, एडिशनल सुपरिटेंडेंट, सब लोग मिलकर ये पब्लिक के सर्विस के लिए हम लोगों ये शुरू किए। नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर हर बड़े हॉस्पिटल में पब्लिक कन्वीनियंस के लिए ये एक हेल्प डेस्क हम लोग शुरू करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज मिट्स पिलानी के तरफ से एक नया जेस्चर, एक एलुमनाई एसोसिएशन के तरफ से निर्माण कंपनी द्वारा 25 कॉन्सेंट्रेट ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेट, वो मशीन 25 का डोनेशन दिए, जिससे कि सीरियस पेशेंट को हेल्प मिलता, ऑक्सीजन मिलता, और इसके लिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और ख़ास करके हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम कामयाबी के साथ चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत रियासती वजीर दाखिला और रुकन असम्बली महेश्वरम सबीता आइंदा रेड्डी ने अपने हलके में वाक़ जलपल्ली म्यूनसिपल्टी के तहत मंजूरा 219 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपल्टी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के अलावा एमआरओ बालापुर श्रीनिवास रेड्डी, कोऑप्शन मेंबर सुरेंद्र कृष्णा रेड्डी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। వారితో పాటు ఈరోజు షాది ముబారక్ చెక్స్ అందుకోవడానికి వచ్చిన మా సోదరి మనులందరికీ, పత్రికా సోదరులకు అందరికీ నమస్కారాలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈరోజు సెకండ్ సాటర్డే ఉన్నా కూడా మీకందరికీ షాది ముబారక్ చెక్లు అందించడానికి హాలిడేని కూడా త్యాగం చేసి వచ్చిన ముందు ఎంఆర్ఓని, వాళ్ళ టీం అందరి కోసం ఒకసారి చప్పట్లు కొడదాం. ఎందుకంటే వాళ్ళ హాలిడే ఈరోజు, అసలు మర్చిపోయినా నేను నిన్న మధ్యాహ్నం, ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ గుర్తుకొచ్చింది ఏదో ఇష్యూలో డిఎం డిఎఫ్ఓతో మాట్లాడుతుంటే ఈరోజు హాలిడే మేడం, మండే కలుస్తాం అన్నది అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది. సో హాలిడేని కూడా లెక్ చేయకుండా వచ్చిన మా అధికారులకి, ముఖ్యంగా వాళ్ళందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడే కాదు షాది ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్స్ రావడానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇంత స్పీడ్గా మీకు అందరికీ రావడానికి ఎంఆర్ఓ వాళ్ళ టీం బాగా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున వచ్చున్నాయి మీకు. నైట్ 10 అయినా కూడా వాళ్ళు నా దగ్గర తీసుకొచ్చి సంతకాలు పెట్టించుకుంటూ ఉంటారు. షాది ముబారక్ చెక్స్ కానీ, ఎంఆర్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్స్ కానీ
నైట్ 10 అయినా 11 అయినా కూడా వాళ్ళ కింద స్థాయి అధికారులు నా దగ్గర పంపించి చెక్ మీద సంతకాలు తీసుకొని వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేస్తా ఉన్నారు. డెఫినెట్ గా వాళ్ళని అభినందించాలి. ముఖ్యంగా నా కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఈ బాలపూర్ మండలంలో ఈ 2 సంవత్సరాలలో 3000 చెక్స్ వచ్చినాయి. 3000 చెక్స్లలో ఒక బాలపూర్ మండలంలోనే మన రెవెన్యూ మండలంలోనే 3000 చెక్లలో 1581 చెక్స్. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से गरीब और मुस्तहक मुसलमानों में रमज़ान गिफ्ट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है. इस सिलसिले के तहत मुशीराबाद में वाक़े जामे मस्जिद में TRS क़ायदीन की जानिब से और मस्जिद कमेटी अराकीन के इश्तराक से गरीब मुसलमानों में रमज़ान तहफ़ की तकसीम अमल में लाई गई. इस मौके पर मोहम्मद नसीर अली मुतवल्ली के अलावा दीगर TRS क़ायदीन और कमेटी अराकीन भी मौजूद थे. جامع مسجد مشیرآباد میں رمضان گفٹ پیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی. حکومت کی طرف سے ماہ رمضان کے موقع پر غریب اور مستحق افراد میں یہ گفٹ پیک تقسیم کیے جا رہے ہیں. متولی محمد نذیر علی کی نگرانی میں یہ تقسیم عمل میں لائی گئی. ناظرین روبرو میں ہم اس یقین کے ساتھ ایک مختصر وقفہ لیں گے کہ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آئے دیکھتے ہیں وقفے کے بعد کی خبریں. ویزون ٹاسک فورس ٹیم نے دھوکہ دہی میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کیا جس نے متلاشیان روزگار سے محکمہ آبپاشی میں کلیریکل جاب دلانے کا جھانسہ دیتے ہوئے رقم بٹوری تھی. 30 سالہ جی راجندر پرساد نے اپنے آپ کو محکمہ آپاشی میں سپرنٹینڈنٹ بتاتے ہوئے مذکورہ جھانسہ دیا تھا. ملزم کے خلاف پرکال، بیگم پیٹ، اپل، مادنہ پور، وانپرتی پولیس سٹیشنز میں کیسز درج ہیں. مزید کاروائی کی غرض سے ملزم کو احسان نگر پولیس کے حوالے کیا گیا. مرزال گڑھ ملکاج گری میں ایک 30 سالہ شخص کے قتل کی واردات پیش آئی. متعلقہ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے ریلوے ملازم 30 سالہ وجے کمار پر حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا. مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس مقام واقع پر پہنچی اور ناشو بورز پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کرتے ہوئے اس سلسلے میں کیس درج کیا اور تحقیقات جاری ہیں. مضافاتی علاقے عبداللہ پور بیٹ کے پاس ہوئے خوفناک سڑک حادثے میں سرکل انسپیکٹر سلطان بازار پولیس اسٹیشن لکشمن اور ان کی اہلیہ جھانسی برسر موقع ہلاک ہو گئے. بتایا گیا ہے کہ 39 سالہ لکشمن پی اہلیہ جھانسی اور 7 سالہ بچے کے ساتھ سوریا پیٹ سے حیدرآباد آ رہے تھے. ان کی اہلیہ جھانسی گاڑی چلا رہی تھی اور اس دوران ایک ٹھہری ہوئی لوری کو جھانسی نے پیچھے سے ٹکر دے دی. لکشمن اور ان کی اہلیہ جھانسی برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ ان کے 7 سالہ بیٹا زخمی بتایا گیا ہے جسے بغرض علاج دواخانہ منتقل کیا گیا. فوری طور پر متعلقہ پولیس نے اس سلسلے میں کاروائی کی اور کیس بھی درج کیا گیا. سہندگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے موتی نگر میں می سیوا سینٹر میں سرقے کی واردات انجام دی گئی.
तफसीलात के मुताबिक जुमार हफ्ते की दरमियानी शब खुफल शिकनी के जरिए मी सेवा सेंटर से 25,000 रुपये की नकद रकम का सरखा किया गया। मी सेवा सेंटर के अहाते में वाक़ म्यूनसिपल दफ्तर में भी खुफल शिकनी की कोशिश की गई लेकिन नाकाम रही। सुबह मी सेवे का अमला जब मी सेवा पहुँचा तब इस चोरी का पता चला। फौरी तौर पर पुलिस का मुतला किया गया, इसके बाद एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। फतेह दरवाजे के साकिन जावेद अली हफ्ते की दोपहर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद मोहम्मद शुकूर वाक़ फतेह दरवाजा में अदा की गई। जावेद अली एक अरसे तक रियाद सऊदी अरबिया में मुकीम थे। 3 साल कबल वो मुस्तकिल तौर पर हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे। उनके इंतकाल पर रियाद सऊदी अरब और हैदराबाद के दोस्त अहबाब ने अपने शदीद रंज का इजहार करते हुए दुआएं मगफरत की है। जावेद अली मुख्तसर अफसाने लिखा करते थे जबकि शेर व शायरी से उन्हें शगफ था। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 दोख्तरान शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 8008962935 पर रब्त किया जा सकता है। आखिर में देखते हैं अहम खबरें एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में कोविड की दूसरी लहर जारी। हुकूमत की जानिब से वबा को रोकने के इकदामात भी जारी। आवाम से एहतियाती इकदामात पर अमल पड़ा होने की अपील। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से राशन किट्स की तकसीम का आगाज। वजीर दाखिला महमूद अली ने झंडी दिखाकर मुख्तलिफ हलकों को किट्स रवाना की। मजलिस युक्त असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने सरोजनी देवी हॉस्पिटल का किया मुआयना। कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने के बाद सहूलतों का लिया जायजा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंग कोठी में हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से कोविड हेल्प डेस्क का क्याम। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने किया इफ्तिताह। अब्दुल्लापुर मेट में हुआ खौफनाक सड़क हादसा। सर्कल इंस्पेक्टर सुल्तान बाजार और उनकी अहलिया बरसर मौका हलाक। मुतालिका पुलिस ने की जाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।